तो वहीं दक्षिण पश्चिम मॉनसून लगभग पूरे देश में पहुंच गया है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बिजली गिरने से यूपी में 5 लोगों की मौत हुई है और 22 लोग घायल हुए हैं। मॉनसून एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रही है। रविवार को इसने पूरे यूपी के सफर को पूरा कर दिया। वहीं यूपी में बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लखनऊ में शाम को हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। उधर मौसम वैज्ञानिकों ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि जून के अंतिम दिन पूरे प्रदेश में सुबह 8:30 बजे तक 63.3 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड हुई। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन तक ऐसी ही स्थिति जारी रहने के आसार जताए हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह और मोहम्मद दानिश के मुताबिक बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा और कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है।